स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जो यूनिट नंबर 6 के लेसन नंबर 6 है, द एंट एंड द पिजन। इस स्टोरी में जो है एक एंट है, एक पिजन है और एक हंटर है। फर्स्ट लिसन, रीड एंड डू। सबसे पहले हमको सुनना है, पढ़ना है और उसको करना है स्टोरी को। सेकेंड, लुक एट द पिक्चर। Put the correct number in the circle to make a meaningful story. Look at the picture को हम लोगों को देखना है, put the correct number। हर picture में हमको क्या करना है, correct number डालना है। ये picture जो है हमको correct order में नहीं दी गई है। So we are going to number that correctly and complete a story। हमको क्या करना है, correctly number डालना है और हमारी story को करेक्ट करना है। नीचे पॉइंट्स दिए हुए, वो पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग जो है स्टोरी पे के पिक्चर्स पर नंबर ऐड करेंगे। फर्स्ट वन है, वन डे एन एंट फेल इनटू अ पॉन्ड एंड कुड नॉट कम आउट। एक दिन एक चूटी जो है वो गिर जाती है, पॉन्ड में गिर जाती है और वो बाहर नहीं आ पाती। अब ये हम लोगों को कौन से इसमें पॉइंट में दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना। अब सेकेंड जो है हमारा, अ पिजन सिटिंग ऑन अ ट्री saw इट एंड डिसाइडेड टू हेल्प द एंट। ही थ्रीव अ लीफ इनटू द पॉन्ड। एक कबूतर जो है वो झाड़ पर बैठकर उसको देख रहा था कि वो जो है पानी में से निकल नहीं पा रही है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको क्या करता है, एक पत्ता जो है पानी में फेंक देता है। The ant climbed onto the leaf and safely came out of the pond. अब क्या होता है, जो ant है वो पत्ते पर चढ़ जाती, लीफ के ऊपर चढ़ जाती है और सेफली बाहर आ जाती है, कम आउट ऑफ द पॉन्ड। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ वाइल अ हंटर saw the pigeon and aimed at it। इसी दौरान जो है हंटर जो है वो एक पिजिन, इस पिजिन को देख लेता है और उस पिजिन पर क्या करता है, निशाना लगाता है, एम एट इट, उस पर निशाना लगाता है। द एंट saw दिस एंड क्विकली क्लाइम्ड अप हिज आर्म एंड स्टंग इट। चींटी जो है, द एंट saw दिस, अब जो है चींटी ये सब देखती है और क्विकली क्लाइम अप हिज आर्म, उसके हाथ पर जो जल्दी से चढ़ जाती है, एंड स्टंग इट मतलब उसको काटती है। द हंटर स्क्रीम्ड इन द पेन। अब क्या होता है, हंटर को पेन होने लगता है, जैसे चींटी काटती है, अगर हमको भी काटेगी तो हमको पेन होता है ना, इसी तरह हंटर को भी पेन होने लगता है। और ही मिस्ड हिज एम, जो एम जो निशाना उसने कबूतर पे लगाया था ना, वो क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, उससे हट जाता है और कबूतर वहाँ से जल्दी से, द पिजन हियर्ड हिज स्क्रीम एंड फ्लीव अवे। और पिजन जो है जैसे उसकी आवाज़ को सुनता है हंटर की, वहाँ से वो उड़ जाता है, इस तरह जो है कबूतर की जान बच जाती है। अब इस स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि कबूतर ने जो है किसकी हेल्प की थी, एंट की हेल्प की थी, है ना। पिजन ने जो एंट की हेल्प की थी, जब पिजन मुश्किल में था तो एंट ने भी उसकी हेल्प की। इसका मॉरल क्या निकलता है कि हमेशा हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वी हेल्प ईच अदर, ऑलवेज वी हेल्प ईच अदर। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।